नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में शुक्रवार को आईटीआई मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद वीरेंद्र सिंह, बता दें कि एमएलसी विशाल सिंह चंचल और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह सहित तमाम लोग यहां मौजूद रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां गाजीपुर पहुंचे थे कल और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तमाम लोग इस दौरान मौजूद दिखे थे और इस दौरान सीएम योगी सहित जेपी नड्डा मौजूद थे। यूपी के जनपद श्रावस्ती में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महिलाओं ने अज्ञात कारणों से मारपीट की, जिसके बाद पड़ोसन महिला के साथ हुई मारपीट के बाद दूसरी महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि पड़ोसन महिला के साथ मारपीट में माँ ने, बता दें कि कंडेल का बीज खा लिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया है कि मामले में बेटे के तहरीर के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध धारा 306 के तहत पड़ोसी महिला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं अधिग्रह बता दें कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2023 को शाम को 4:30 के लगभग एक रोहित नाम के आदमी हैं, जिन्होंने थाने पे आके ये कंप्लेन दी कि इनका जो गांव चमरपुरवा पड़ता है, चमरपुरवा श्रीनगर, ये वहाँ के निवासी हैं और इनकी माँ को इनके ही पड़ोस में कोई मनोहर है, उनकी पत्नी पास के बगीचे में लेके गई, उनके साथ मारपीट हुई और फिर इनकी माँ ने ये घर आई और इन्होंने कंडेल का बीज खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो तहरीर थी उसके आधार पर मलीपुर थाने में 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें विवेचना की जा रही है, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से। और बता दें कि श्रावस्ती का यह पूरा मामला, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत हो गई है और इस दौरान उनके बेटे से जब पूछताछ की गई तब उन्होंने कहा है कि बीज खाने के वजह से उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनकी पड़ोसी महिला के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसने जहरीला बीज खा लिया और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को भेज दिया गया है और बता दें कि इस मामले को लेकर वहां पर प्रशासन अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर बता दें कि मनबुद पुलिस कर्मियों पर एसपी प्राची सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान ये कार्रवाई सिपाही सूर्या, प्रवीण पांडे और साथ ही अभिषेक सिंह और कमल बाबू मौर्य पर की गई है। वहीं पुलिस कर्मियों पर बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों की पिटाई का आरोप है। ये विवाद ऋण वसूली करने किए गए मैनेजर और एजेंट से हुआ था और सीईओ की जाँच में आरोपी सही पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। वहीं श्रावस्ती में नशे में बाइक चालक युवकों को भारी पड़ गया है। बता दें कि दरअसल बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मामला थाना इकोना क्षेत्र के बनकटा के पास का बताया जा रहा है, जहां पर बता दें कि बाइक अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण ये दोनों युवक जो है बता दें कि गंभीर हो गए हैं और नशे में बाइक चलाना इन युवकों को भारी उस वक्त पड़ गया जब बाइक सवार दोनों युवक जो है अनियंत्रित होकर गंभीर रूप से हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बता दें कि फिलहाल इस डॉक्टर युवकों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर लोहे के जर्जर पोल गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं गनीमत यह रही कि जर्जर पोल सामने बने मकान से टकरा गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत की गई तो साहब ने हलाही में बता दी कि पोस्टिंग का हवाला देते हुए और साथ ही जेई और
और साथ ही बता दें कि एसडीओ से जांच कराने की बात कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जर्जर पोल को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारी से शिकायत की। कार्रवाई के नाम पर बड़ा हादसा का इंतजार कर रहे थे ये लोग और एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया था। बता दें कि ये उन्नाव का पूरा मामला है जहाँ पर बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, ये खम्भे कैसे गिरे? ये चार्जर पोल था, बहुत दिनों से अचानक गिर गया। किसी को गंभीर चोट तो नहीं गिरने नहीं, किसी को नहीं आई तो कोई नहीं था यहाँ पे, नहीं पर अच्छा हो सकता था। उन्नाव का ये पूरा मामला है जहाँ बिजली विभाग की ये लापरवाही देखने को मिली है और इस दौरान बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पे टल गया। बता दें कि लोगों के बीच उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब लोहे के जज्जर पोल गिर गई और इस दौरान वहाँ गनीमत ये रही कि ये जज्जर पोल गिरने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं तो बता दें कि बिजली विभाग की ये लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस पोल को लेकर कई बार लोगों ने बिजली विभाग को अवगत कराया था लेकिन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद से लगातार लोगों में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये पोल गिरा है और ये जर्जर पोल गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, किसी बच्चे को भी चोट लग सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि इस बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इस दौरान बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही जिसके बाद से लोगों में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मैनपुरी में छात्रा को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्कूल की साथ ही छात्राओं को इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से पिता ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और ये मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला गाड़ीवाल की घटना बताई जा रही है। बता दें कि इस दौरान देखिए किस तरीके से छात्रा को पीटा जा रहा है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इस मामले की पिता ने तहरीर पुलिस को दी, जिसके बाद से इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा में सर्दी सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दे रही है। G20 के अतिथियों के लिए आने की तिथि घोषित हो चुकी है, समय कम है लेकिन सड़क की मरम्मत बहुत जरूरी है जो अब शुरू हुई है। ऐसे में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था दिल्ली के वैज्ञानिकों की देखरेख में 20 जनवरी को सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। प्रदेश में पहली बार इस तकनीकी से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क फतेहाबाद रोड पर सेल्फी पॉइंट से होटल हाईवे पार्क प्लाजा तक की लंबाई पर है और 2.6 किलोमीटर की है, जहां मेट्रो कार्य के कारण ये सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। इस सड़क को बनवाने के लिए मेट्रो ने हाथ खड़े कर दिए थे, ऐसे में PWD पर जिम्मेदारी आ गई और G20 के सदस्य इसी मार्ग से ताजमहल का दीदार करने जाएंगे। अतिथियों का ये दौरा 10 फरवरी से शुरू होगा और आम तकनीकी से सड़क की मरम्मत के लिए सर्दी कम होने का इंतजार करना, जबकि अतिथियों के आगमन को देखते हुए इंतजार संभव नहीं था, जिसके बाद ये कार्य शुरू करवाया गया। तो इसकी बजट की एजेंडा कॉस्ट है वो बढ़ती है। शुरू में हमने बिना इसको एडिटिव मिक्स किया था तो हम जैसे अभी दिन रात करना है हमें काम, रात को 4 डिग्री सेंटीग्रेड चला जा रहा था तो हमारा ये मिक्स उखड़ जा रहा था। रात में हम करते तो सुबह उखड़ जाता था। इससे ये है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता आपका और वो जो टेम्परेचर पे मिक्स आया है वो 5-6 घंटे मेंटेन रहता है। 50 डिग्री तक हम इसका कंपेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हम 90 डिग्री या 100 डिग्री पे ही कर पाते हैं, इससे हम अब हम ये काम कर सकते हैं। बता दें कि G20 के अतिथियों के लिए ये सड़क की मरम्मत शुरू करवाई गई है। बता दें कि उनका आगमन की तिथि तय हो गई है, जिसके बाद से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, मरम्मत करवाई जा रही है। बता दें कि इस दौरान मेट्रो
कि काम करवाने के चक्कर में के कारण ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई थी, जिसके बाद से अब इस सड़क का कार्य करवाया जा रहा है, मरम्मत करवाई जा रही है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था दिल्ली के वैज्ञानिकों की देखरेख में बता दें कि कल से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। प्रदेश में पहली बार तकनीकी से सड़क निर्माण कराया जा रहा है और ये सड़क फतेहाबाद रोड पर सेल्फी पॉइंट से होटल हाईवर्ड पार्क प्लाजा तक की लंबाई 2.6 किलोमीटर बताई जा रही है। और बता दें ये जो सड़क है ये मेट्रो कार्य के कारण ये सड़क जो है उखड़ गई थी, जिसके बाद से सड़क बनवाने को लेकर मेट्रो ने हाथ खड़े कर दिया और इस दौरान पीडब्ल्यूडी पर ये जिम्मेदारी आने के बाद अब ये सड़क का कार्य कल से शुरू करवाया गया। G20 के सदस्य इसी मार्ग से होते हुए आगरा में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और साथ ही बता दें कि यह दौरा 10 फरवरी से शुरू होगा, जिसको लेकर लगातार यह कार्य करवाया जा रहा है और इस दौरान G20 के अतिथियों के लिए तमाम चीज़ों को लेकर मरम्मत का कार्य से लेकर तमाम तैयारी की जा रही है। और साथ ही बता दें कि आम तकनीकी से सड़क की मरम्मत के लिए सर्दी कम होने का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन सर्दी लगातार अभी भी जारी है और ठंड का कहर जारी होने के बाद भी G20 के अतिथियों के लिए ये सड़क का कार्य शुरू करवाया गया, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है और यह कार्य शुरू करवाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, जिसके बाद से इस कार्य को कल शुरू करवाया गया। बता दें कि G20 के लिए अतिथि 10 फरवरी को आएंगे और वो ताजमहल का भी दीदार कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और तमाम बारीक चीज़ों पर प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही बता दें कि सरकार भी G20 के अतिथियों के लिए तमाम कार्य करती हुई नज़र आ रही है। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में छात्रों के दो गुटों के बीच रेलवे स्टेशन पर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद से GRP पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान रेलवे स्टेशन का सुरक्षा का दम भरने वाले GRP या RPF का कोई भी जवान नजर नहीं आया है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर छात्रों का मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसके बाद से GRP जो है हरकत में आई। थाना प्रभारी सूर्यकांत पंडित ने बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ लड़के आपस में लड़ गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ट्रेन आ गई, जिसमें सवार होकर ये सभी कानपुर की ओर चले गए। और इस मामले को लेकर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से फतेहपुर के इस रेलवे स्टेशन पर छात्रों के दो गुट में जमकर मारपीट हो रही है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर GRP पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि उस स्टेशन पर, उस प्लेटफॉर्म पर वहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं था, क्यों इन छात्रों को नहीं छुड़वाया गया। और बता दें कि उन इस दौरान जब GRP के सदस्य से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन आ गई थी, इस कारण ये छात्र उस ट्रेन में चढ़ गए और इस दौरान वे कानपुर चले गए, नहीं तो इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाती। और बता दें कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद GRP थाना प्रभारी का ये बयान सामने आया। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद GRP हरकत में आई है और साथ ही बता दें कि ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है, ये वीडियो जहाँ पर किस तरीके से दो गुट आपस में लड़ते हुए, छात्रों के ये दोनों गुट है ये आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही मैनपुरी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर झूठी शान के चलते परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या कर शव को दूसरे गांव में एक घर में गड्ढा कर दफना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खुदवा कर युवती के शव को निकलवाया है। वही पुलिस के अनुसार मृतका पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति से प्रेम करती थी। परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने बेटी की शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन मृतका फिर भी प्रेमी से मिलती जुलती रहती थी और जिससे परिजन खफा हो गए और इस दौरान बेटी की हत्या कर शव को पड़ोस के गांव के घर में शव को गड्ढे में दफना दिया। और पुलिस को भनक लगने पर ही शव को निकलवाया गया और इस दौरान तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पूरा मामला थाना भोगांव के मोजपुर हवेलिया का बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला है?
ये आज लगभग 8:30 बजे 112 में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव है मोजेपुर हवेलिया थाना भोगांव में कि एक अशोक यादव हैं जो अपनी लड़की की हत्या करके और घर में कहीं लाश को छिपा दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस और पीआरपी पहुंची थी तो पता चला कि वो अपने घर के बगल में एक घेरा है जिसमें नल वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर एक मिट्टी का गड्ढा खोद करके और उसके नीचे लाश को दबा दिया था और घर के लोग फरार थे। वही महाराजगंज जनपद के सिसवा कस्बे के चोखराज तस्याल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रवास की छत से संदिग्ध परिस्थिति में 10वीं के छात्र बीती रात गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रात में कमरे से बाहर निकलने के कारण छात्रों के शोर मचाने पर विद्यालय प्रबंधक के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है जहां उसकी मौत हो गई है। छात्र के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर विद्यालय प्रबंधक पर हत्या करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग 8 बजे के आसपास थाना कोठीबार को यह सूचना मिली है कि इस थाना क्षेत्र में स्थित चोखराज इंटर कॉलेज जो सिसवा बाजार में है, यहाँ पर एक बालक जिनका नाम विवेक गुप्ता है, पुत्र छोटेलाल गुप्ता जो मूल रूप से कुबेर स्थान कुशीनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने कल रात में उन छत से गिर के उनका नीचे जो है घायल अवस्था में वो मिले थे कुछ बच्चों को, जिसके बाद उनके इलाज हेतु उनको अस्पताल ले जाया गया, फिर जब उनको रेफर कर दिया गया तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अब खबर हरदोई से है जहां पर सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई है। बता दें कि यह तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे के बाद से अनियंत्रित होकर बोलेरो भी पलट गई और इस दौरान चाचा कुलदीप पाल और भतीजे लवकुश पाल निवासी रायपुर थाना बेनीगंज की इस दौरान उनकी मौत हो गई है। वही बता दें कि अंतरौली थाना क्षेत्र के जलालपुर के पास सामने बोलेरो ने टक्कर मारी है और इस घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं हरदोई में तेज रफ्तार कंटेनर ने बोलेरो को टक्कर मार दी है। इस हादसे में वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बता दें कि पुलिस बूथ के ठीक सामने ही कंटेनर चालक के लापरवाही की कारण बता दें कि कंटेनर की टक्कर से बोलेरो सड़क पर पलट गई। वहीं हादसे में बोलेरो सवार लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद से कंटेनर चालक फरार हो गया है और वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल में जुट गई है और देखिए सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर बता दें आपको कि किस तरीके से तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिल रहा है और इस दौरान ये पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कंटेनर की टक्कर से बोलेरो सड़क पर पलट गई और इस दौरान बाल बाल उसमें सवार जो लोग थे, बोलेरो में सवार लोग जो थे वो बच गए और इस दौरान बता दें कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वही न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। गोरखपुर पुलिस हरकत में आई है और फर्जी कंपनी बनाकर भोले भाले महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाली जालसाज को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही बता दें कि अगरबत्ती घोटाला मामले में 2-3 दिन पहले ही राजगार थाने पर महिलाओं का हुजूम देखने को मिला था। धरना प्रदर्शन करती महिला नजर आई थी। महिलाओं का कहना था कि उनके साथ अगरबत्ती पैकिंग के नाम पर उनके पैसे लिए गए और बाद में कंपनी चलाने वाले रफू चक्कर हो गए। इन्हीं अभियुक्तों में से एक स्क्रीन वालों को राजघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पीड़ित महिलाओं ने राजघाट थाने का घेराव किया, उसके बाद से पुलिस एक्शन में आई है और आखिरकार इन जालसाज को महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने कई जनपदों में फ्रॉड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना मई 2022 में हुई थी और उसकी संस्थापक जो है वो मिस आफरीन बानो और उसके दो साथी आर अंसारी और जी अली, इन तीन लोगों ने मिलकर संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने एक स्कीम के तहत शुरू में 765 रुपया एक रजिस्ट्रेशन फीस रखा था, जिसके माध्यम से कोई भी महिला इस संस्था की सदस्य बन सकती थी
उसके बाद में उन्होंने उनको बताया कि आपको 2 घंटे काम करने पर 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसका अमाउंट बाद में बढ़ा के 4500 रुपये कर दिया गया। और इस तरह कुल 35,000 महिलाएं इनसे जुड़ी। और बता दें कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से इस खबर का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर पुलिस उस वक्त हरकत में आई थी जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था। और बता दें कि फर्जी कंपनी बनाकर भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि अगरबत्ती घोटाले मामले में ये महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद से राजघाट थाने पर महिलाओं का हुजूम देखने को मिला था, और इसके बाद से अब पुलिस हरकत में आई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं का कहना है कि उनके साथ अगरबत्ती पैकिंग के नाम पर पैसे के लिए गए थे और बाद में कंपनी चलाने वाले रफू चक्कर हो गए थे। उन्हीं अभियुक्तों में से एक स्क्रीन बनाने वाले राजघाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही पीड़ित महिलाओं ने राजघाट थाने का घेराव किया था, और उसके बाद से पुलिस एक्शन में आई और इस दौरान आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से इसका एक असर देखने को मिला। और इस दौरान बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। और इस दौरान महिलाओं का 2-3 दिन पहले ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था। थानों का भी महिलाओं ने घेराव किया था। महिलाओं में एक ज़बरदस्त आक्रोश था, क्योंकि अगरबत्ती पैकिंग के नाम पर उनके साथ ठगी की गई थी और उनसे पैसे लिए गए थे, और उसके बाद से जो कंपनी के चालक थे वो रफू चक्कर हो गए थे। उसके बाद से प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।